हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर कलिंग। आई डॉक्टर दिनेश जैन वेलकम्स यू ऑल। टुडे वी विल डिस्कस द सो मेनी इंपॉर्टेंट जर्नल इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, आईटी इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल साइंस, मल्टीपल डिसिप्लिनरी मेडिकल इंजीनियरिंग, बायोकेमिस्ट्री एंड एवरीथिंग। सो इन दिस एरिया दोज हु आर कम्स अंडर दिस पर्टिकुलर एरिया एम एंड स्कोप, सो दिस इज सूटेबल टू ऑल ऑफ यू। सो फर्स्ट जर्नल पब्लिशर नेम इज द स्प्रिंगर, द जर्नल नेम इज द इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बुलिंग प्रिवेंशन। द एम एंड स्कोप ऑफ दिस जर्नल यू कैन चेक, दिस इज द साइबर बुलिंग एंड साइबर अटैकिंग, साइबर क्राइम, ऑनलाइन ट्रोलिंग, ऑनलाइन साइबर क्राइम, ऑनलाइन साइबर डिटेक्शन। सो देर आर द सो मैनी एम एंड स्कोप यू कैन चेक अबाउट देयर रिसर्चर। So this is the kind of aim and scope, so you can check as per your research area. And now if we will talk about the submission and publication timing for this journal, so it is specially dedicated to the fast publication journal. So within 60 days आपको अपना एक्सेप्टेंस, रिजेक्शन, माइनर चेंज जो भी आपको रहेगा वो कम्युनिकेट कर देंगे आपको। सो दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी जर्नल। सो इफ यू वॉन्ट टू पब्लिश देयर रिसर्च पेपर इन दिस पब्लिक जर्नल, सो यू नीड टू क्रिएट ए अकाउंट एंड देन फाइनली सबमिट योर रिसर्च पेपर और मैन्यूस्क्रिप्ट टू दिस जर्नल। नेक्स्ट कैटेगरी एग्रेशन एंड वायलेंट बिहेवियर, इट इज स्पेशली डेडिकेटेड टू द मिस्टर राजू। दिस इज ही इज द वन ऑफ द अवर सब्सक्राइबर, सो ऑन बिहाफ ऑफ दिस रिक्वेस्ट, सो इसे इट इज डेडिकेटेड टू हिम। सो एग्रेसिव एंड वायलेंट बिहेवियर ही इज डूइंग रिसर्च एरिया इन द साइबर क्राइम और साइबर डिटेक्शन लाइक दिस, साइबर बुलिंग। सो दिस इज स्पेशली डेडिकेटेड टू द फास्ट पब्लिकेशन जर्नल इन द एरिया ऑफ द एग्रेशन एंड वायलेंट बिहेवियर एंड साइबर बुलिंग, ऑनलाइन ट्रॉलिंग। सो दिस इज द पब्लिशर्स एल्सेवियर, एंड नाउ यू कैन चेक द एब्स्ट्रैक्ट एंड इंडेक्सिंग। सो दिस इज द एब्स्ट्रैक्ट एंड इंडेक्सिंग, स्कोपस इंडेक्स एंड सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स, एस सी आई, वेब ऑफ साइंस जर्नल है, स्कोपस इंडेक्स है। सो डोंट वरी फॉर दैट, गो फॉर दिस जर्नल। सो आई रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू, गो फॉर दिस जर्नल, स्कोपस एंड वेब ऑफ साइंस जर्नल। सो दिस इज द वेरी गुड जर्नल एंड फास्ट पब्लिशिंग जर्नल। नाउ नेक्स्ट वन इज द कंप्यूटर लॉ एंड सिक्योर, दिस इज द ऑल्सो द फास्ट पब्लिकेशन जर्नल। एंड दोज हु कम्स अंडर दिस पर्टिकुलर एम एंड एरिया एंड स्कोप, सो जस्ट चेक इट हियर, दिस इज द एम एंड स्कोप, यू कैन जस्ट रीड आउट केयरफुली एंड देन फाइनली सबमिट टू द पब्लिशिंग। नाउ यू कैन चेक द एब्स्ट्रैक्ट एंड इंडेक्सिंग, दिस इज ऑल्सो द वेरी गुड इंडेक्सिंग, स्कोपस इंडेक्स जर्नल। नाउ द थर्ड कैटेगरी जर्नल इज द कंप्यूटर एंड सिक्योरिटी, सो इट इज स्पेशली इंडिकेटिंग टू द सिक्योरिटी एंड कंप्यूटर। सो प्लीज रीड आउट द एम एंड स्कोप फॉर दिस जर्नल, कंप्यूटर सिक्योरिटी ऑडिट कंट्रोल एंड डेटा इंटीग्रिटी। इफ योर रिसर्च एरिया कम्स अंडर दिस पर्टिकुलर एम एंड स्कोप, then you need to publish your research paper. This is also the fast publishing journal and the aim and this is the indexing, Scopus index journal and Web of Science index journal. This is the SCI index or Web of Science index, so don't worry for that. Now next one is the forensic and international digital investigation, this is especially also dedicated to the cyber crime, cyber security, digital investigation. So those researcher comes under this particular area can publish their research paper in this particular journal. So this is the online submission link, so you can need to just click on this particular link and then you will be redirected to the submission your research paper. So firstly you need to prepare your research paper as per the guideline given to the author's guideline. Next one is the Journal of Computer and System Sciences, the impact factor 1.4 and site score 4.0. Now you can check the aim and scope. So this is the theory of algorithm, computability, formal language, automata theory. So especially dedicated to the computer science engineering and IT engineering, computer network, neural network. So there are the very good aim and scope, so very wide area of this particular aim and scope. Now you can check the abstract and indexing of this particular journal. So this is also the good indexing, Scopus index, ACM digital library. So this is also belongs to the good indexing, and so Science Citation index. So means it is Science Citation, SCI index and also Scopus index journal. So don't worry for that. Now next one is the information processing and management, this is the an international journal, the impact factor was the 4.7, site score 8.6. so this is the very good journal, so I recommend to all of you. And the first decision timing is the 3.8, so within a month you will get the notification about the acceptance, rejection or minor changes.
So now this is the aim and scope area. So if your research area comes under this particular aim and scope, need to publish your research paper in this particular. Now you can check the abstract and index. And this is also the Scopus Index Journal. Now next category is the special issue on algorithm bias and fairness in search and recommendation. It is also dedicated to the cyberbullying, online investigation, cybercrime. So just need to check their aim and scope. If your research area comes under this particular area, then you can publish your research paper. Now you can check also the abstract and indexing by click on this particular tab. So this is the EMA Engineering and Scopus Index Journal. So you can check here SCI Index. So this is also the good journal. So I recommend to all of you go for this journal. Next one category is the International Journal on Advanced Science Engineering Information Technologies. This is also the good journal, very good journal. And this is the so you can see the publication frequency 6 issue per year means within 2 months के अंदर आपका रिसर्च पेपर पब्लिकेशन हो जाएगा. सो दिस इज आल्सो द वेरी गुड जर्नल. सो आई रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू. नाउ इफ वी विल टॉक अबाउट द इंडेक्सिंग, सो दिस इज द SGR रैंकिंग मीन्स यू नीड टू जस्ट क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर, यू विल बी रीडायरेक्टेड टू द सेमेगो जर्नल रैंक. सो दिस इज द स्कोपस जर्नल इंडेक्स जर्नल. दिस इज दे आर ऑल्सो मैंसनड हियर इन स्पेशली. सो स्कोपस इंडेक्स जर्नल. सो जस्ट यू नीड टू चेक एम एंड स्कोप एंड पब्लिकेशन फ्रीक्वेंसी ओनली बाई मंथली. एंड नाउ यू कैन चेक एट योर सेल्फ द गाइड फॉर ऑथर्स. सो अकॉर्डिंगली प्रिपेयर योर मेन्यू स्क्रिप्ट एंड सबमिट टू द पब्लिकेशन. नेक्स्ट वन इज द कैटेगरी टेलर एंड फ्रांसिस ऑनलाइन जर्नल. दिस इज द वेरी रिनाउंड जर्नल. द जर्नल नेम इज द साइबरनेटिक्स एंड सिस्टम्स एंड इंटरनेशनल जर्नल. दिस इज ऑल्सो द वेरी गुड जर्नल एंड स्कोपस इंडेक्स जर्नल. सो यू कैन जस्ट चेक आउट एट योर सेल्फ ऑल्सो. सो नाउ एम एंड स्कोप, इफ योर रिसर्च एरिया कम्स अंडर दिस पर्टिकुलर एरिया, देन यू नीड टू पब्लिश योर रिसर्च पेपर एंड गो जनरल इन्फॉर्मेशन. यू कैन एक्सप्लोर दिस फ्रॉम दिस टैब, एडिटोरियल बोर्ड, इंस्ट्रक्शन फॉर ऑथर. सो एवरीथिंग इज देयर, जस्ट यू नीड टू एक्सप्लोर एज पर योर रिसर्च एरिया. तो आपको बहुत केयरफुली इसको देखना है और अकॉर्डिंगली अगर आपके इस पर्टिकुलर रिसर्च जोन में, रिसर्च एरिया में अगर फिट बैठता है, सूटेबल हो, तो देन यू नीड टू पब्लिश. नाउ नेक्स्ट कैटेगरी इज द IEEE एक्सप्लोरर. दिस इज द मंथली पब्लिकेशन जर्नल. सो आई रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू, दिस इज ऑल्सो द वेरी गुड जर्नल और ए काइंड ऑफ पब्लिशिंग. सो IEEE ट्रांजेक्शन ऑन सिस्टम मैन एंड साइबरनेटिक सिस्टम. नाउ यू कैन चेक द एम एंड स्कोप. सो यू कैन चेक योर एम एंड स्कोप. योर रिसर्च एरिया कम्स अंडर दिस पर्टिकुलर एरिया और जोन, देन यू नीड टू पब्लिश योर रिसर्च पेपर विद दिस पर्टिकुलर जर्नल. नाउ पब्लिकेशन डिटेल विद इन ए मंथ है. पब्लिकेशन होगा फ्रीक्वेंसी 12, मींस मंथली पब्लिकेशन है IEEE ट्रांजेक्शन जर्नल. सो आई रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू गो फॉर दिस जर्नल एंड पब्लिश योर रिसर्च पेपर विद इन ए मंथ. नेक्स्ट वन इज द इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिक्स. द इम्पैक्ट फैक्टर इज द 4.8, साइट स्कोर 7.6 एंड द फर्स्ट डिसीजन विद इन 3 वीक्स. सो मैक्सिमम 3 वीक्स. सो यू नीड टू द गेट यू नीड यू विल गेट द कन्फर्मेशन फ्रॉम द पब्लिशर्स विद इन ए 3 वीक्स. सो आई थिंक दिस इज द विद इन ए 15 टू 20 डेज के अंदर आपका रिसर्च पेपर का एक्सेप्टेंस रिजेक्शन आ जाएगा. दिस इज ऑल्सो द वेरी गुड जर्नल. नाउ यू कैन एक्सप्लोर द एम एंड स्कोप. सो देर आर द वेरी गुड एम एंड स्कोप. सो वेरी वाइड एरिया कवरेज ऑफ दिस पर्टिकुलर जर्नल. सो यू नीड टू जस्ट चेक योर रिसर्च एरिया एंड इफ यू सूट से अंदर दिस पर्टिकुलर एम एंड स्कोप, देन यू नीड टू गो फॉर द पब्लिशिंग. नाउ यू कैन चेक द एब्स्ट्रैक्ट एंड इंडेक्सिंग. जस्ट क्लिक ऑन दिस पर. सो देर इज द गुड इंडेक्सिंग ऑफ दिस जर्नल. SCI जर्नल है. दिस इज द SCI जर्नल एंड स्कोपस जर्नल. सो आई रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू गो फॉर दिस. नेक्स्ट वन इज द पब्लिशर इज द हिंडबाई. द पब्लिकेशन जर्नल नेम इज द जर्नल ऑफ केमिस्ट्री. सो दिस इज द वेरी गुड जर्नल अक्रॉस द ग्लोब. नाउ यू कैन चेक द ब्रीफ समरी ऑफ दिस पर्टिकुलर जर्नल. एक्सेप्टेंस रेट इज ओनली 44%. 44%. सो दिस इज आई रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू गो फॉर दिस. एक्चुअली द 44% इज द वेरी गुड. नाउ सबमिशन टू फाइनल डिसीजन विद इन 67 डेज, मीन विद इन 2 मंथ्स आपका रिसर्च पेपर पब्लिश हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली. इम्पैक्ट फैक्टर 1.7, साइट स्कोर 2.20 एंड इट इज ऑल्सो द स्कोपस इंडेक्स. सो नाउ यू कैन चेक द स्कोपस इंडेक्सिंग और नॉट. सो जस्ट यू नीड टू क्लिक ऑन द एब्स्ट्रैक्टिंग. सो इंडेक्सिंग जस्ट यू कैन चेक हियर. दिस इज द वेब ऑफ साइंस
इंडेक्सिंग एंड स्कोपस इंडेक्स जर्नल. सो दिस इज आल्सो द वेब ऑफ साइंस और SCI इंडेक्स. सो दिस इज आल्सो द वेरी गुड जर्नल टू पब्लिश योर रिसर्च पेपर. नेक्स्ट कैटेगरी इज द पब्लिशर इज द एल्सेवियर. द जर्नल नेम इज द करंट रिसर्च इन फार्माकोलॉजी एंड ड्रग डिस्कवरी. सो दोज हु आर कम्स अंडर दिस कैटेगरी पब्लिश योर रिसर्च पेपर. दिस इज द वेरी गुड पब्लिशर एल्सेवियर स्कोपस इंडेक्स जर्नल. नाउ यू कैन चेक द aim and scope. Just need to check your research area. If you comes under this particular aim and scope, then you need to submit your research paper. Next category is the Elsevier journal, Asian Journal of Pharmaceutical Sciences. Impact factor is the 3.9. very good journal, very good impact factor. Site score also the 5.3. now you can check your aim and scope from this particular. So those who are comes in the under this category, it is a very good journal. It's SCI index journal and Scopus index journal. So there is very good journal to all of you. So I recommend or I suggest to all of you go for this journal and Scopus and Science Citation Index. So there are the two, both categories of the journal indexing it journal covers. Next journal is the current opinion in pharmacology. Impact factor is the 4.9, site score say 9.3, very good site score. And now you can check the aim and scope. So this is the very good aim and scope. So please check your aim and scope. If your research area if comes under this particular aim and scope, then you need to submit your research paper for the publication and the abstract and indexing. So this is the Scopus index journal. So this is the very good journal. So I recommend to all of you go for this journal. Agar aapko ye video pasand aayi, aapko helpful lagi, don't forget to subscribe the channel and also help your friends by sharing this. Thank you friends for watching this video.